यात्रा में आराम से चलना, पहुंचकर खबर कर देना। देखो समुद्र के उस पार मंजिल दिखाई दे रही है, लेकिन यहां से कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। अगर शॉर्टकट लेंगे तो हम डूब जाएंगे। मंजिल पे पहुंचने के लिए हमें इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा जिसमें चल रहे हैं, चाहे जितना भी लंबा हो और चाहे कितना भी दूर से पड़ता हो। और हो सकता है कि आगे जाकर मंजिल दिखना बंद हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मंजिल से दूर किसी उल्टी दिशा में जा रहे हैं। है ना कितनी अजीब बात कि जब मंजिल दिख रही है तो पास नहीं, और जब दिख नहीं रही तो पास है। यात्रा में कुछ तो खास है, ऐसा लग रहा है कि यात्रा हमें मंजिल के लिए तैयार कर रही है। यात्रा जितनी मुश्किल होती है उतना ही पहुंचने पर गर्व महसूस होता है। यात्रा में कुछ सिखा रही है, यात्रा में यह सिखा रही है कि अगर हम सही रास्ते पे और सही दिशा में चलते ही रहेंगे तभी पहुंचेंगे। रुकना नहीं, हाँ ठहरना है अगर गाड़ी में तेल भरवाना हो तो। ध्यान से चलना और खतरों से बचकर आगे निकलना। हर वक्त आपको सीधे और पक्के रास्ते नहीं मिलेंगे, कुछ रास्ते कच्चे होंगे, कुछ टेढ़े होंगे, कहीं चढ़ाई होगी, कहीं उतराई होगी। देखकर चलना वरना आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। और हाँ, आपको रास्ते के बारे में सब पता होना चाहिए चलने से पहले, वरना भटक जाओगे। किसी राह चलते मुसाफिर से पूछोगे, अगर उसने बताया तो उस पर विश्वास करना, उस पर अंधविश्वास नहीं करना। हमें दूरी का पता होते हुए भी हम मंजिल का बेसब्री से इंतजार करते हैं, और ये जानते हुए कि जब तक हम इस सफर को पूरा नहीं कर लेते तब तक हम मंजिल को नहीं छू सकते। मंजिल अपने समय पर ही आएगी, न समय से पहले न समय के बाद में। और सफर के आखिर में तो ऐसा लगता है जैसे कि वक्त रुक ही गया, क्योंकि हम सिर्फ रास्तों को देखते हैं, ध्यान तो हमारा मंजिल की तरफ को होता है। और एक और बात कि सफर के दौरान हम बोर्ड्स पे लिखे हुए सिर्फ किलोमीटर्स को पढ़ते हैं, लेकिन उसके पास एक बहुत ही खास बात लिखी होती है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। वो बात यह है कि आपकी यात्रा मंगल में हो। सफर कैसा रहा आपका? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई?